अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन्स। आज मेरी छत पे एक छोटी सी पर्पट आई की तकरीब थी, जिसके सिलसिले में सब दोस्त वगैरह आए हुए हैं। तो हमारे ये मोहतरम है बट साहब, ये पर खींच के आपको बताएंगे, वन बाय वन सारे खींचेंगे, आप देखिएगा सबका तरीका। पहले 10 पर खींचेंगे, पर दो मरलों में जो है हम इनकी पर्पट आई करेंगे। पहले आपने फूक मार के देख लेनी है कि ये कच्चे पर जो है वो ना कोई खींचा जाए, ताकि कबूतर को उसे होती है। ये कच्चा पर लग रहा, ये देखें आप ये किस तरह खींच रहे हैं, पर बिल्कुल सीधा रख के खींच रहे हैं, ताकि जो है वो कबूतर को सब दर्द कम होती है। पहले 10-10 पर खींच रहे हैं, जब ये 12 दिन के पर हो जाएंगे, इनके गुल्ले आ जाएंगे हल्के हल्के, तो कांटे आ जाएंगे, फिर जो है इनके अगले पर खींचेंगे। ये देखिए पहले 10 खींच दी है, ये दोपहर का टाइम है, तो ये देखे आप, ये हमारे दूसरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद शहबाज साहब, ये पर खींचेंगे। इनका आप तरीका देखें, तरीका मुंह नहीं खींचना और खींचे आप, देखते हैं आप कितना खींचते हैं। गिनती कहाँ पे? यार मैं दूसरा चेंज हो जाए। कितने जब भी आपने पर खींचने हैं, तो एक दो चीजों का आपने ध्यान रखना है, वो ये कि एक तो धूप उस दिन अच्छी निकली भी हो, खुला मौसम हो, और दूसरा ये कि कबूतरों ने दाना ज्यादा ना खाया हो, क्योंकि अगर ज्यादा खाया होगा तो फिर उल्टी करेगा, क्योंकि पर खींचने से कबूतर को थोड़ी तकलीफ होती है। तो पानी में भी आपने उस दिन इनको डिस्प्रीन की गोली दे दें, या फिर ब्रूफन सिरप, दोनों में से कोई भी चीज जो है आपको जो अवेलेबल हो वो इस्तेमाल करवाएं उस दिन, उससे इनको रिलीफ मिलता है थोड़ा सा। जब हमारे ये तीसरे हमारे दोस्त दानिश भाई हैं, ये पार खींचेंगे, आप इनका तरीका देखें। दानिश भाई का मुंह इतना बड़ा है, ये अंदर ही ना खींच ले, इसलिए इन्होंने कहा हाथ से खींच। ये जो मादी खींच रहे हैं, ये रात रह के अगले दिन आई हुई है, ये जो पट्टी है बाबा, ये पट्टी थी, अब ये मादी बन गई है, सर्दियों में हमने इनको कपड़े डाल के रोका था। ये दानिश भाई का देखे आप किस तरह खींच रहे हैं। मैंने कहा सब दोस्तों का तरीका कार जो आपसे शेयर करता हूँ, आप देखें किस तरह कौन किस तरह खींचता है। हरी का अलग अलग तरीका कार है। ये हमारे एक और दोस्त हैं, आप इनका तरीका कार देखें, ये किस तरह खींचते हैं। ये हमारे एक और दोस्त हैं, आप खेचे खेचे आप, आपका देखते हैं आपका क्या तरीका कार है। मुझे सबसे अच्छा इनका तरीका कार लगा, कबूतरों के साथ तकलीफ कम होगी। और दूसरा आपने ये करना है कि जब पर खेचते हैं, तो फटियां वगैरह जो आपकी ऊंची लगी हुई है वो उतार देनी है, क्योंकि कबूतर उड़ के ऊपर बैठने की करता है, तो जिससे उसको जो है उसके पर खराब होते हैं नियाले। ये हमारे एक और दोस्त हैं, मोहतरम है, ये खींचते हैं पर, आप देखें पहले आपने देख लेना कोई कच्चा पर तो नहीं है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कबूतर को बहुत तकलीफ होती है इससे। दाने छाड़ दें, इसके 12 दिन बाद जो है हम इनके दुम और बगलों के पर खींचेंगे, और जो दाने की वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके साथ कल परसों शेयर करूंगा कि दाना आपने साथ में इनको क्या देना। ये अंदर थे आराम मचा।
दोस्तों आपने एक काम करना है, जब इनको परपट आई के बाद दाना डालना है, उसके साथ जो पानी देना है उसमें आप डिस्प्रीन की गोली डालना है, 1 लीटर में 1 गोली, या फिर आपको अगर ब्रूफन सिरप मिले तो वो दे देना आपने, 2 ढक्कन देनी है 1 लीटर में, वो आपने इनको इस्तेमाल करवाना है दाने के साथ। अभी मैं इनको ये देता हूँ तो आप ये देखिएगा, ये डिस्प्रीन की गोलियाँ मैंने पानी में डाल दिया, ये अब हल हो रही है, ये जिस तरह ही हल हो जाएंगी तो मैं जो है कबूतरों के आगे रखूंगा। आपने ये दाने के बाद जो है जिनको पानी देना है तो उसमें जो है दवाई का जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि पान खाने से कबूतर को तकलीफ होती है, उसके परों में वो क्योंकि दर्द होता है बेचारों को, तो आपने जो है इसको दवाई को इस्तेमाल करवाना है ताकि उससे उनको रिलीफ मिल सके। ये 2 दिन तक इस्तेमाल करना है, ये आज दिया और ये कल भी देना है, इससे इनको ये रिलीफ हो जाएगा। और एक और बात जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि कबूतरों को नहाने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि अगर ये नहाएंगे तो इनके जो सुराख हैं वो बंद हो जाएंगे और पर ना आने का खतरा होता है। आपने इसके लिए इनको नहाने बिल्कुल नहीं देना, जब इनके कांटे निकल आएंगे थोड़े छोटे छोटे तो फिर इनको हल्के पानी में जो है नहलाई देनी है, और जो पिंजरे के अंदर फटियां वगैरह वो आपने उतार देनी है ताकि उनके ऊपर चढ़ के जाने के लिए कोशिश ना करें, उससे भी इनके पर ख़राब नहीं होंगे। तो बाकी सब जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा वन बाई वन। ये सारे मेरे ये नर कबूतर हैं, सारे मादियाँ जो हैं वो दूसरी तरफ हैं, इसमें नर कबूतर हैं। मैं आजकल जोड़े अलहदा किए हुए हैं, नर अलहदा किए हुए हैं, मादियाँ अलहदा की हुई हैं, तो जब मैं जोड़े लगाऊंगा तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ बना के शेयर करूंगा, और मैं आपके साथ कल जो है वीडियो शेयर करूंगा कि इनको आपने दाने में क्या देना है और दाने में इनके क्या दे के हम इनको केयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।